वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों ठंडा बहुत है, देखो हर तरफ फॉग ही फॉग है, हर तरफ फॉग ही फॉग है। और सुबह करीब 6:30 बजा है, देखो दोस्तों हर तरफ फॉग फॉग है। कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर पे छत पे ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक पूरा एक भी घर नहीं दिख रहा है। गाड़ी चल रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, हाईवे भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसमें घर पे सिर्फ हम तीन जन उठे हैं, मैं उठा हूँ, बड़े पापा उठे हैं और है एक बहन, वो उठी है और कोई भी नहीं उठा है, सब सो रहे हैं। मैं सोचा कि आज सुबह सुबह जाके वीडियो बना लेता हूँ फॉग का, इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ अभी। आज तो मेरा है घर, सुबह के 7 बज चुके हैं, जा रहे थोड़ा घूम घूम के आते हैं। पूरा फॉग ही फॉग है, लोग फॉग कुछ भी नहीं दिख रहा है इस समय। दो जन बर्तन माँज रहे हैं सुबह सुबह, 6 बजे उठे अभी तक बर्तन ही माँज रहे हैं इन लोग। जा रहा हूँ थोड़ा घूम घूम के आता हूँ, ठंडा बहुत लग रहा है, अंधेरा के जैसा लग रहा है पूरा, ठंड बहुत लग रहा है। ओस का पानी गिरा है, ओस ओस मतलब पानी जो ऊपर से गिरता है, ऊपर से दिखाऊँ, ये देखो दोस्तों दिखाता हूँ, यही है, ये पानी जैसा लग रहा है ना, ये दोस्तों धान धान के ऊपर वो ओस गिरा है, ओस हर तरफ चारों तरफ ओस ही ओस गिरा है। जब तो आधा धूल घूम के आता हूँ, इसलिए ग्लव्स व्लव्स सब पहनो इंडिया में, ठंड लग रही ना इसके लिए ग्लव्स पहन लिया। थोड़ा आधा दूर चला जाता घूम के आता हूँ, जाके थोड़ा आग सेकता हूँ, कोड़ा बारता हूँ। कोड़ा किसे बोलते हैं, आग तापते हैं ना, एक्स्ट्रा लकड़ी रख के उसको बोलते हैं कोड़ा। मैं जाता हूँ दूर में घूम के आता हूँ, खाली जूतियाँ मैं ले जाता हूँ पोखरा के, इधर पे जाता हूँ घूम घूम के चला आता हूँ। ठंड बहुत लग रही है ना इसके लिए, झाला पूरा ये तो पानी का झाला पूरा हो गया है। मकड़ी लोग झाला लगाते हैं उसके ऊपर, देखो दोस्तों पानी पानी है, वाइट वाइट पूरा, ये सब पूरा पानी है, ओस गिरा है ना इसके लिए। अरे देखिए दोस्तों पूरा दिख नहीं रहा है फॉग की वजह से, चारों तरफ वाइट वाइट। घूमने के लिए आए हैं, आज सुबह जल्दी उठ गया कि आज वीडियो बनाने का था, इधर पे नेट भी मेरा स्लो चलता है इसलिए वीडियो भी नहीं चढ़ा पाता। एक दिन लगता है मैं पूरा 2 GB एक वीडियो चढ़ाने में पूरा खत्म हो जाता है। बाजू में दोस्तों हाईवे है, लेकिन हाईवे का थोड़ा भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। जीटिया भाई जब सब पूजा करने के लिए आते हैं, ये तो हम लोग का है, ये वाला तो हम लोग का है, ये पता नहीं किसका है, मुझे नहीं काम रहता नहीं ना जिसको मैं तो बुझाने के लिए सिर्फ पता है ये इन लोग के लोग का है। और कोई का ध्यान हो गया था तो देखो बारी बार है,
उसमें पानी बहुत तेज भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यही सब है। हाईवे पे नहीं जाऊंगा, हाईवे बहुत खतरा है, हाईवे पे गाड़ी वाड़ी चलता है ना, इसलिए ट्रक वाले बहुत हरामी होते हैं। कैमरा से कुछ दिख नहीं रहा है, पानी पहुंच देता हूँ। फिलहाल मैं दोस्तों घर पर तो पहुंच चुका हूँ, ठंड लग रही है। फिलहाल मैं देखो दादी भी उठ चुकी है, ये दादी भी उठ चुकी है, देखो देखो देखो। हाँ दादी, ठंड नहीं लग रही है तुमको? सुबह सुबह उठ गई, जाकर सो जाओ। अरे जाकर सो जाओ, अरे तो भीजेगा नहीं, जाओ सो जाओ। ये देखो मेरा घर, ये सब भी प्लास्टर लेस्टर करवाने का है, लेकिन पैसा रहेंगे। बड़े पापा बुलाए, यहाँ जा रहा हूँ दुकान पे, उनको जाने का है बाजार, कुछ सामान वामान लाने का है, 5 तारीख को आने वाले छेकने के लिए मेरी बहन को, तो उसके लिए कुछ सामान वामान चाहिए, सरसम तेल नमक सब्जी पनीर दही दूध यही सब आज जाएंगे लाने के लिए। दही तो समझ लो 5 तारीख को लाएंगे, गांव में से पहचान वाले हैं, याद हो लोगे तो बलतारा चलाते हैं, तो थोड़ी से जाके लेने होने का दूध लूँगा। फिर परसों 5 तारीख को तैयारी करने का है, 4 तारीख को मेरे पिताजी आ जाएंगे मुंबई से, आज 12 बजे बैठ जाएंगे रात को, 12 बजे 8 ट्रेन से बैठ जाएंगे, परसों 4 तारीख को आ जाएंगे, तो तैयारी वारी करने का है। अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे, सुबह के 10 बजने वाले हैं, अभी भी देखो कोहरा छाया छेका है चारों तरफ, यहाँ में बड़े बड़े गांव में देखो कितने बड़े बड़े घर हैं। और मेरा घर छोटा है एकदम, देखो सब हाईवे का पैसा पा पा के देखो कितना बड़ा बड़ा घर बनाया है। देखो दोस्तों है ना बड़े बड़े घर, सब भाई पैसा कमा ले, खेत में पैसा मिला है, ज़मीन गया है हाईवे में, सरकार के तरफ से 90-90 लाख पैसा मिला है, 90-90 करोड़ 90-90 लाख मिला है सब लोग को, वही सब घर बनवा चुके हैं। फिलहाल तो इधर फिलहाल खेत था पूरा, मच्छी पालन बन रहा है, मच्छी पालन उधर से, वो जो लड़के लोग जा रहे हैं उसके बाजू में भी खुदाया हुआ है एकदम गड्ढा, ये देखो पूरा रोड पे, ये रोड पूरा बेकार कर दिए लोग, ये देखो 5-5 ट्रैक्टर लगा हुआ है खोदने के लिए, कल खुदा रहा था आज ही खुदा है ट्रैक्टर से, और दुकान पे आ रहा हूँ अभी, अभी सूरज भगवान थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, सूरज भगवान पूरा अंधेरा है एकदम हो रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, आज की बुरी खबर कि
मेरे बड़े पापा के ससुराल में दाद उनके नानी का देहांत हो गया है, इसलिए दोस्तों अभी मैं तो दुकान पर से जा रहा हूँ घर पे। बस जाऊँगा तो गाड़ी लेके आऊँगा, फिर मेरे को दुकान पर रुकना पड़ेगा। अभी जा रहा हूँ घर पे रिटर्न गाड़ी लाने के लिए। अभी वो जाएंगे तो मेरे को दुकान पर बैठना पड़ेगा, तो फिर मैं 12 बजे तक बैठूँगा, फिर उसके बाद मैं चला आऊँगा घर पे। कौन बैठेगा उसमें, मेरे को पाल लगाने आता भी नहीं है। मेरे बड़े पापा के लड़के को आता है लेकिन वो आता ही नहीं है दुकान पे, तो ही मैं ही आया, फिर मेरे को रिटर्न जाना पड़ रहा है घर पे। क्या बोलूँ, अभी तक उधर पे चल रहा है ट्रैक्टर, पाँच पाँच ट्रैक्टर चल रहे हैं अभी दोस्तों, पाँच पाँच। तो अभी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, फिर से जाओ। चलो ठीक है, आटा भी लेने का है मुझे, 5 तारीख को आने वाले हैं मेहमान, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। टेंट उनका खटिया ये सब लाना पड़ेगा, रजाई गद्दा कुर्सी ये सब खरीदना पड़ेगा मेरे को, मतलब मेरे को नहीं सॉरी मेरे बड़े पापा खरीदना पड़ेगा। सीधी दुबई में हम लोग को ही लाना पड़ेगा, फिलहाल में तो सगड़ी नहीं है हम लोग के घर पे, तो किसी के घर पे सगड़ी जाना मांगना पड़ेगा, या चाहे वो आएगा तो पहुंचा के जाएगा। यही दो काम बचा है मेरे पास। चलो फिलहाल मैं दोस्तों वीडियो बंद करता हूँ, घर पे जाके गाड़ी लेके आने का है दोस्तों। फिलहाल मैं तो दुकान तो बंद कर चुका हूँ, बड़े पापा आ गए सामान वामान रख के सरिया के, मतलब लाइन से रखो के, भी जा रहा हूँ घर पे। धान ये खेत में बराबर धान हुआ नहीं, ये धान की खेती नहीं सॉरी गेहूँ की खेती, ये और ये सरसों। जानते क्या, वो दुर्गा माँ का मंदिर है, मंदिर। मैं घर पे जाने जा रहा हूँ, अभी इधर से जाऊँगा नहा दूँगा, रिटर्न खाना खाऊँगा। वो दिख रहा है ना दोस्तों स्कूल है। आज का हम लोग का दिन ख़त्म होता है, शाम के 5 बज चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।